तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मसे की, मोनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मसे एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशन औसर ने, अवेश दलाल ने, और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। उन्होंने फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मसे की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मसे की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मसे एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि औसर ने, अवेश दलाल ने, और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मसे की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है,
मूवीज को बिल्कुल देखेगा, ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा, ये मूवी सबको देखने मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा,
प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से
अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी,
उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, वो चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, वो चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने।
तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है।
को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में,
फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीनरीज है, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीनरीज है, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं,
कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो ये थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील कि। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे। मज़ेदार, अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो
विक्रांत बस एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करें फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करें फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है
ब्लैकआउट एक मूवी है विक्रम मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट, एक मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकती, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो
ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर आप किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शेषन हौसल ने, अवेश दलाल ने, हौसल दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर आप किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउटिंग। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि हौसल ने, अवेश दलाल ने, हौसल दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी।
जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी,
उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशन भंगसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशन भंगसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशन भंगसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशन भंगसर ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने।
उन्होंने इस फिल्म को लगभग 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाटोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है।
को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कौन भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील कि तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कौन भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे, मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में,
फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और सैम दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो ये थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और सैम दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं,
कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, वैसे दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील कि। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, वैसे दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो
विक्रांत नशे रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसर ने, अवेश दलाल ने और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकती, एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार्स। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल ने, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। दोनों ने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकती, एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार्स। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर
क्योंकि तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मशे एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसू सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो
टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाल ने, अवेश दलाल ने और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और सैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है,
मूवी इसको बिल्कुल देखेगा, ये मूवी सबको देखने में मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा,
प्रशांत ओके, सभी कैरेक्टर फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अभेश दलाल ने और सैम दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाटोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चली जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अभेश दलाल ने और सैम दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाटोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चली जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से
अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशन भंगसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशन भंगसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं। कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशन भंगसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशन भंगसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे।
तो चलिए बात करें फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो ये थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने, दोनों इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा गुलदम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अब तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो ये थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसारा ने, अभेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेमाग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेमाग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने।
उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। एक मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। एक मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसर से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांश शशि भंसारा ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांश शशि भंसारा ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है।
को सिनेटोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेटोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकती, एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में, फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने, हुसैन दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सिनेटोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सिनेटोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्हीं कृष्णन और परमेश्वरन ने, उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं और चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर हम बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉम भी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जैसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया, और जितने भी कलाकार थे जैसे रोहानी शर्मा, प्रशांत ओके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी है, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकती, एज के लिए उस एज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी है विक्रांत मस्से की, मौनी रॉय की, सुनील ग्रोवर की। तो अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा रिव्यू देख लीजिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने अभी भी फिल्म देखी है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो विक्रांत मस्से एक रिपोर्टर होता है जो कि अपनी किस्मत बदलने के लिए गहनों की चोरी की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन 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 उस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। तो वो अब इस मसल से कैसे बाहर निकलता है या नहीं, कैसे निकलता है या निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो यह थी फिल्म की कहानी, बाकी जानिए फिल्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फिल्म में,
फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करें, फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांग शशि भंसाला ने। फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, सच में जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को लिखा है देवांग शशि भंसाला ने, अवेश दलाल ने और सैम दलाल ने। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को सीनोग्राफी की है अनुभव बंसल, ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि फिल्म के जो कैमरा एंगल्स है, जो सीन डिजाइन, जो लोकेशन, जो सीनोग्राफी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को एडिट किया है उन्नीकृष्णन और परमेश्वरन ने। तो उन्होंने इस फिल्म को लगभग 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 2 घंटे से कम समय का रखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म को म्यूज़िक दिया विशाल मिश्रा ने। फिल्म में म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ दम तो नहीं था, लेकिन फिल्म भी आपको गाने देखने को मिलेंगे, जैसे चित्रलेखा, क्या हुआ चोर जैसे गाने आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे फिल्म में एक्टिंग के बारे में। विक्रांत मस्से की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग है, उनकी जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, चल जाती है, लेकिन मोस्टली तो काम अच्छा ही करते हैं। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की अगर बात की जाए, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से अच्छी करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा फिल्म में आजकल एक्टिंग अच्छी करते हैं। मौनी रॉय की एक्टिंग फिल्म में हिसाब से बहुत ज़्यादा एवरेज सी थी। जिसे सिंह गुप्ता ने अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। और जितने भी कलाकार थे, जैसे रूहानी शर्मा, प्रशांत धोके, सभी की एक्टिंग फिल्म के हिसाब से काफ़ी 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 ठीक थी। सो ओवरऑल बताऊँ तो इस फिल्म को आप सभी लोग देख पाओगे मज़ेदार। अगर किसी को मस्त कॉमेडी या थ्रिलर मूवी देखनी, इसको मज़ा आ रहा है भाई, घर बैठा बोर हो रहा है, तो मूवी इसको बिल्कुल देखेगा। ये मूवी सबको देखने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देख सकते, ये एज के लिए, उस एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फिल्म को जितना चाहे उतनी बार देख सकते हो, मज़ा मज़ा आएगा। तो इस फिल्म को ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा वो है 4 स्टार। सो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नई मूवी के रिव्यू के साथ।